कैसे बीतेगा समय सिंह राशि के लिए और सिंह लगन के लिए, जिन लोगों का लियो साइन है और लियो लगन है, उनका वर्ष 2021 कैसा रहेगा, आज हम जानेंगे और चर्चा करेंगे इसी एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य आशीष कुमार नाइक, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल महर्षि पाराशर वैदिक ट्रस्ट में। और जब भी हम बातें करते हैं सिंह राशि की लोग के लिए, सिंह का मतलब होता है सूर्यदेव उनका राशि का लड़ बनते हैं। जब भी सूर्यदेव राशि का लड़ हो जाते हैं, और सूर्यदेव सबसे ब्रह्मांड का पावरफुल ग्रह होते हैं, जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भगवान सूर्य को सबसे अधिक इम्पोर्टेंट दिया जाता है और सूर्यदेव राशि का स्वामी है। सूर्यदेव वर्ष का शुरुआत में, और शुरुआत में सूर्यदेव का संचार वो रहेगा मकर राशि में, और मकर राशि सूर्यदेव का शत्रु राशि होते हुए भी सूर्य का स्थिति मकर में छठे भाव में रहने के कारण से सिंह राशि का ये थोड़ा दिक्कत और परेशानी का बातें रहेगा। और जो लोग सिंह राशि में जन्म लिए हैं, और जिन लोगों का जन्म राशि सिंह होता है, और उन लोगों के लिए वर्ष का शुरुआत थोड़ा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जब भी सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और ये अच्छे से अच्छे राशि को जाएंगे, जैसे मेष राशि को सूर्यदेव चला जाएंगे 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, वो सबसे अच्छे योग बनेगा, क्योंकि भाग्य भाव में उच्च का रहेंगे सूर्यदेव, और इसी से आपका वर्ष का जो आरंभ है, जैसा मैंने बताया सूर्य थोड़ा कमजोर चल रहे हैं वर्ष का आरंभ से, और जब भी सूर्यदेव मजबूत रहेंगे आपका जीवन भी मजबूत हो जाएगा, सारे ऐश्वर्य सुख सुविधा आपको भाग्य से प्राप्त होगा वर्ष 2021 में। और बातें करेंगे आपका हेल्थ के बारे में। सिंह राशि छठे भाव का स्वामी शनिदेव, और शनिदेव छठे भाव का और सप्तम भाव का दोनों का स्वामी होते हैं, और शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं, और शनिदेव छठे भाव में ओन साइन में बैठने के कारण सिंह राशि वालों के लिए ये सबसे बेहतरीन ईयर रहेगा आपका हेल्थ को लेकर। स्वास्थ्य में मजबूती रखेगा, जो लोग स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत परेशानी में पड़े हैं उनके लिए भी सबसे बेहतर और सबसे अच्छे टाइम अभी वर्ष 2021 में रहेगा। और शनिदेव थोड़ा रेट्रोग्रेड हो रही हैं, जैसे में 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक, इसी दौरान आपको हेल्थ की रिगार्डिंग थोड़ा दिक्कत परेशानी का बातें रहेगा, और ये थोड़ा आपको दिक्कत वाला सिचुएशन रखेगा आपकी लाइफ में। साथ में वर्ष का शुरुआत शनिदेव एंड सूर्यदेव एंड बुधदेव और शुक्रदेव, वो तीनों चारों ग्रहों का संगम छठे भाव में रहता है, आप थोड़ा आपका हेल्थ का ध्यान रखिए। साथ में आपका जो शत्रु रहते हैं उनका थोड़ा भी आप केयरफुली रहिए, नहीं तो वर्ष का शुरुआत आपको एक जख्म भरा स्थिति बनेगा आपके लिए। और बातें करेंगे आपका एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन भाव का जो स्वामी होते हैं ये गुरुदेव होते हैं, देवगुरु बृहस्पति अभी संचार कर रहे हैं कुंभ राशि में सप्तम भाव में, सबसे बढ़िया योग बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपको शिक्षा के लिए वर्ष आपका अच्छे रहेगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उस शिक्षा करने के लिए जाते हैं उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा वर्ष 2021, और साथ में आपका भाग्यों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाके रखेंगे देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति जब भी रेट्रोग्रेड रहेंगे, और ये 6 अप्रैल के बाद रेट्रोग्रेड रहेंगे, वो कुंभ राशि से रेट्रोग्रेड होंगे, वो 14 सितंबर तक ये मकर राशि में आ जाएंगे, और मकर से फिर से रेट्रोग्रेड होकर ये कुंभ तक चला जाएंगे 21 नवंबर तक। तो रेट्रोग्रेड का दौरान आपकी एजुकेशन के ऊपर ये थोड़ा डावाडोल डालेगा, और थोड़ा प्रॉब्लम में आप फेस कर सकते हैं, और आप उसी टाइम में थोड़ा केयरफुली रहिए, और देवगुरु बृहस्पति का आप मंत्र जप करिए, जिससे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ में बात करेंगे आपका कैरियर और नौकरी के बारे में। नौकरी का भाव का स्वामी शुक्रदेव होते हैं, और नौकरी के भाव में राहु रहता है। जिन लोगों का होटल में बिजनेस चल रहा है, होटल का कोई काम करते हैं, और साथ में आप कोई मीडिया सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और साथ में शुक्रदेव जब भी स्वराशि में आएंगे 4 मई से लेकर 29 मई तक ये उच्च कर रहेंगे,
और वृषभ राशि में रहेंगे और राहु के साथ जुति करेंगे और ये फल दोगुना हो जाएगा। शुक्रदेव के साथ राहु का संबंध बनेगा और ये अच्छे से अच्छे आपको लाइफ में और नौकरी में आपको सबसे श्रेष्ठ योग का लाभ मिलेगा। साथ में शुक्रदेव 6 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ये तुला राशि में रहेंगे और इसी दौरान आपको और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। थोड़ा दिक्कत का बात है क्योंकि राहु का दशम भाव में बैठना, राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडवर्क करेगा और डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाएंगे आप, ये थोड़ा दिक्कत का बात है। जब भी शुक्रदेव का संचार अच्छे से अच्छे रहेगा आपका कैरियर में मजबूती जरूर रखेंगे शुक्रदेव। साथ में आपका फैमिली एंड रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे और फैमिली का हाउस वो रहता है बुधदेव के हाथ में और रिलेशनशिप मंगलदेव के हाथ में। ये सबसे बेहतर योग होता है जब भी बुधदेव 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक वो रहेंगे दूसरा वाला भाव में। कुटुंब से लाभ, धन से लाभ और आपका बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी रहेगा। फैमिली में जो भी छोटा मोटा दिक्कत परेशानी है वो भी खत्म हो जाएगा और बुधदेव का संचार अभी आपका वर्ष का आरंभ में ये चारों ग्रहों का साथ छठे भाव में पड़े हैं, जिसे में देखा जाता है कि फैमिली में थोड़ा थोड़ा दिक्कत परेशानी आपको वर्ष का शुरुआत में लग सकता है और वर्ष का बीच में आपको सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। और बुधदेव आपका जब भी मिथुन में संचार करेंगे 26 मई से 3 जून तक एकादश भाव में, आपका फैमिली लाइफ में और भी मजबूत रहेगा, फैमिली लाइफ सबसे बेहतर रहेगा, आपका एक कोऑर्डिनेशन बनेगा फैमिली में, धन में भी वृद्धि होगा और रिलेशनशिप तो और भी बहुत बढ़िया है। वर्ष का शुरुआत से आपका बिगड़ा हुआ संपर्क में और मजबूती आएगा, गहरा बनेगा रिश्ता और रिश्ते से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और वर्ष का आरंभ से लेकर वर्ष का एंड तक वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मजबूत रिश्ता बनेगा। साथ में बात करेंगे आपका लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में वर्ष का आरंभ में शुक्रदेव बैठे हैं और वर्ष का आरंभ लव के लिए तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा और 4 जनवरी से 28 जनवरी तक शुक्रदेव का संचार आपका लव और पंचम भाव में रहेगा, जिसमें लव लाइफ आपका बेहतर बनेगा वर्ष का आरंभ से। और लव लाइफ का जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति आपका सप्तम भाव में रहते हैं। जिन लोग शादी करने के लिए सोचे हैं, क्योंकि लव का हाउस का लड़ शादी हाउस में बैठे हैं, तो इसका मतलब है आपकी इसी वर्ष में लव मैरिज जो लोग करने के लिए सोचे हैं, लव में थोड़ा दिक्कत परेशानी है, मैरिज नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए तो काफ़ी बेहतर और बढ़िया समय रहेगा। और सबसे बेहतर टाइम मैं बता देता हूँ, आपकी वर्ष का शुरुआत से लेकर अप्रैल 6 तक देवगुरु बृहस्पति आपका सप्तम भाव में रहेंगे और उसके बाद थोड़ा दिक्कत परेशानी का बात आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति थोड़ा सा रेट्रोग्रेड होकर मकर राशि को चला जाएंगे और ये 21 नवंबर के बाद ये आ जाएंगे कुंभ राशि को और इसी में आपका लव लाइफ में बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। संतान सुख में भी लाभ मिलेगा, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी लाभ मिलेगा और साथ में आपको बात करेंगे आपका मैरिटल लाइफ और मैरिज हाउस में बैठा है आपका देवगुरु बृहस्पति और मैरिज का जो स्वामी ग्रह होते हैं ये शनिदेव होते हैं। जिन लोग शादी करने के लिए सोचे हैं और शनिदेव वहाँ पे मकर राशि में ओन साइन में बैठे होने के कारण से आपका शादी और वैवाहिक जीवन अच्छे से अच्छे चलेगा और शनिदेव 23 मई से 11 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे, जिसमें आपका मैट्रिमोनियल लाइफ में थोड़ा दिक्कत और परेशानी का बातें रहेगा, क्योंकि स्वराशि में कोई भी ग्रह वक्र होने से आपकी भाव को कमजोर कर देता है और इसी भाव में शनिदेव रहने के कारण से यह आपका लाइफ को और बेहतर कराएंगे। साथ में बातें करेंगे आपका वेल्थ के बारे में। एकादश भाव में बुधदेव का स्थिति और भी मजबूत रहेगा 26 मई से 3 जून तक और लाभ के लिए ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और जब भी मंगलदेव वर्ष का लास्ट में 5 दिसंबर के बाद वो आ जाएंगे चौथे भाव को, जब भी मंगलदेव चौथे भाव को आ जाएंगे तो आपका बहुत सारा लाभ मिलेगा और सुख सुविधा मिलेगा, भूमि वाहन मकान हर फील्ड में आपको लाभ मिलेगा और वर्ष का आरंभ से लेकर वर्ष का एंड तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख और सुकून मिलेगा। और रेमेडी का बातें करेंगे, उपाय भी देंगे आपको, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत वाला बातें हैं आपका कैरियर में और आपका मैरिटल लाइफ में, क्योंकि दो दो ब्रह्मांड का दोनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव ये दोनों रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। आपका राशि का स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य भगवान, आप नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए
ओम घृणे सूर्याय नमः का मंत्र का जप करिए, साथ में एक मुखिका के रुद्राक्ष आप गले में धारण करिए और आपका वर्ष और भी बेहतर बनेगा। और मेरा शुभकामना आपके साथ है और आपका इसी साल और भी गहराई से और अच्छे से और बढ़िया से रहना, और मेरा शुभकामना आपके साथ मैं देता हूँ। और आज इतना ही रहता हूँ, और हमारा वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए और थोड़ा शेयर भी करिए। रहता हूँ, नमस्कार।